18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। विश्व सेवा चैरिटेबल फाउंडेशन ने अपनी बात को पहुंचाया अमेरिका और लंदन तक। भाजपा के वर्ल्ड NRI एसोसिएशन के अंतर्गत विश्व सेवा चैरिटेबल फाउंडेशन ने दिव्यांग जन चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर CK गुप्ता व डॉक्टर सुहानी गुप्ता ने विश्व सेवा चैरिटेबल फाउंडेशन संस्था, जो कि दिव्यांग जन के लिए कार्यरत है, के अंतर्गत भाजपा के वर्ल्ड NRI एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ दिव्यांग जनों की समस्याओं के निवारण हेतु प्रयास किए, जिसमें लखनऊ व दिल्ली से पधारे डॉक्टर MP तिवारी, प्रोफेसर तपेंद्र शर्मा, श्री अमित पारासर, प्रतिभा सिंह जो वर्ल्ड NRI एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, संस्था से रूबरू हुए। साथ ही अमेरिका से कई वर्ल्ड NRI एसोसिएशन की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राज लक्ष्मी जी इंटरनेट के माध्यम से सीधे संस्था से मुखातिब हुई। साथ ही अन्य देशों के NRI भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री कामना प्रसाद अग्रवाल जी ने विश्व सेवा चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा समाज बयान के कार्यों को सहारते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही मनीष अग्रवाल, मुख्य राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद, इस कार्यक्रम में आदि लोग मौजूद रहे। हम आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है? मुझे लगता है शायद आगरा में ये फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट है जिसमें कि लाइव लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिव्यांग बच्चे आए हुए हैं, दिव्यांग बच्चे 30-35 बच्चे आए हुए हैं, बहुत उम्मीद से आए हैं जैसे कि, और उन लोगों को हम डेली ट्रीटमेंट भी देते हैं। वो लोग डेली एक नई नई चीजों को लेकर आते हैं कि मैम हमारे साथ रोजगार की परेशानी है, लाइक मैम हमारा ऑपरेशन होना है, तो जो ऑपरेशन करके वो तो हम करा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमने भाजपा की नेता है जो अमेरिका में रहती है और नेपाल की महारानी साहिबा है जो अभी लाइव प्रोग्राम वीडियो पे आई थी, तो बच्चों ने उनसे कुछ क्वेश्चन किए हैं। हालांकि यहाँ इंटरनेट की वजह से क्वेश्चन पूरे क्लियर नहीं हो पाए, लेकिन फाइनली उन्होंने बस एक ही आंसर दिया कि हम कुछ NRI मिलकर इस संस्था को कुछ डोनेट करेंगे जिससे कि संस्था आगे बढ़ चढ़कर बहुत अच्छे कार्य कर सके। हालांकि कार्य अभी भी कर रही है। क्या नाम है? अर्चना है मेरा। ये आपकी बच्ची है? हाँ, ये 9 साल की है और ये बोलने पाती है। कल को इसके संग कोई घटना हो जाए तो मुझे ये बता दें। गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सुविधा मिली? कुछ नहीं मिली है। और जाओ तो चक्कर लगा के आ जाओ। आप DM आवास पे गए? नहीं, वहाँ तो नहीं गए। जाने की दिक्कत होती है आर्थिक स्थिति तो। दिव्यांगों के लिए तो सुविधा, यानी चैरिटेबल एक सुविधा है, प्लस दिव्यांगों के लिए पेंशन की भी सुविधा है। कोई ऐसी सुविधा इनको लागू कराई? अभी तो कुछ भी नहीं। कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ समस्या है, हर जगह ऐसी कोई समस्या? डॉक्टर के पास भी जाओ, बाहर की दवाई लिख देते हैं, इतने हम एग्री कर नहीं पाते। यहाँ यहाँ जो चल रहा है प्रोग्राम जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, इसमें जी आपको क्या सुविधा है? अब ये कह रहे हैं जब मिलेगी, जैसे बच्ची की पढ़ाई के लिए, बस ये थोड़ा सा तो आपको कैसा लगता है, मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब उम्मीद तो है ही, उम्मीद है तो दुनिया से कुछ उम्मीद तो है ही, उम्मीद भी सारे चलते हैं। अब ये तो भगवान से भी उम्मीद है, बोलेगी, सब कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं बोलेगी। तो आपको इसमें भी वर्ल्ड NRI एसोसिएशन जो कि भाजपा की विंग है जिसमें देश विदेशों से काफी NRI जुड़े हुए हैं, तो हमारी जो संस्था है बेसिकली फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड बच्चों पर और लोगों पर कार्य करती है। साथ ही साथ समाज में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सब में खड़ी रहती है। तो हमारा आज का प्रोग्राम कराने का मुख्य उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट की भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि इन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो कहीं ना कहीं आज हमने जिन लोगों को यहाँ पर बुलाया है वो उन योजनाओं के बारे में खुल के, यहाँ पर काफी सारे दिव्यांगजन मौजूद हैं, हमारी संस्था के काफी सारे लोग मौजूद हैं, पदाधिकारी जम्मू NRI के यहाँ पर उपस्थित हैं,
वो कहीं ना कहीं ये चीज बताएंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या योजनाओं को चला रही है, वो उनका लाभ हम कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारी संस्था का एक प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा कि हमें इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल तैयार करना है, मल्टी स्पेशलिटी, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसकी हेल्प के लिए भी हमने यहाँ पर इन लोगों के लिए बोला है, गवर्नमेंट से भी हमने ये चीज बोली है कि वी आर प्लानिंग फॉर ए बिग हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फॉर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड पर्सन। सो प्लीज हेल्प। गवर्नमेंट की इतनी योजना चलने के बावजूद भी आए दिन ऐसा लगता है सड़कों पर आए दिन छोटे छोटे बच्चे लगते रहते हैं, भीख मांगते हैं, भीख मांगते हुए देखने को भी मिलते हैं, तो उसको आपकी संस्था उसको उस पर कार्य कर रही है। देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इतनी सारी योजना। आगरा से टोगरा जर्नलिस्ट की ब्यूरो रिपोर्ट।